किरोड़ी सिंह बैंसला के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में खेल मंत्री अशोक चांदना के भाषण के दौरान स्थानीय जनता ने सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी की और मंच की तरफ जूते चप्पल फेंके। इस घटना के बाद चांदना ने सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला और ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझ पर जूता फेंकवा कर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और ये मैं नहीं चाहता। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर चुरू में जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि जो लोग टी शर्ट की दाम को लेकर सियासत करते हैं वो खुद 80,000 का मफलर पहनते हैं। एक टी शर्ट को लेकर बोल रहे हैं, अरे भाई इनके चश्मे 2.5 लाख रुपए के हैं, ये मफलर 80,000 का मफलर है जो हमारे गृह मंत्री लगाते हैं। सतीश पूनिया ने पोखरण से रामदेवरा तक की जन आशीष यात्रा हाईकमान द्वारा रद्द करवाने के बाद इस यात्रा को अकेले पूरा किया है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बिना जानकारी के पद यात्रा निकालना प्रदेश भर में कई तरह की सियासी अटकलों को जन्म दे दिया। सतीश पूनिया की इस यात्रा ने जहां ये बता दिया कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं पार्टी एक बार फिर गुटबाजी का शिकार हो रही है। तेरह सितंबर को जयपुर के दूदू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री के सलाहकार और कांग्रेस विधायक बाबूलाल नागर ने भीड़ को नारे लगाने को लेकर धमकाया। सीएम के संबोधन से पहले दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने मंच से कहा कि यहां सिर्फ दो ही नारे लगेंगे और भीड़ में कोई दूसरा नारा नहीं लगाएगा। नागर ने भीड़ को नारे बताते हुए कहा कि आपको राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, अगर कोई तीसरा नारा लगा तो पुलिस उठा ले जाएगी, तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी 12 सितंबर को नाथ द्वारा के अपने इष्ट श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे। इसके बाद मुकेश अंबानी ने श्रीनाथ जी को भोग और आरती के दर्शन किए। मुकेश अंबानी के साथ उनके बेटे की होने वाली पत्नी राधिका और मित्र मुकेश मोदी भी शामिल थे। दर्शन के बाद मुकेश अंबानी और राधिका का श्रीनाथ मंदिर के गोस्वामी वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ के युवराज विशाल बाबा ने मंदिर परम्परा अनुसार उनका स्वागत किया। राजस्थान में मची सियासी हलचल के बीच कांग्रेसी खेमे में खींचतान खुलकर सामने आ गई है। पायलट गुट के विधायकों के बाद अब पायलट को सीएम बनाने की पैरवी करने वालों में राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी शामिल हो गए हैं। कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज उठाते हुए कहा कि राजस्थान की जनता सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है। चौधरी ने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि हमने तो पायलट को देखकर ही वोट दिया था, लेकिन अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के समर्थन में बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने 13 सितंबर को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महासंघ ने मांग की कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में रिक्त पदों पर 40% की बाध्यता को दूर कर सूची जारी करने की मांग की। वहीं सीएम गहलोत ने ये गुहार लगाई कि ओबीसी और ईडब्ल्यूए प्रमाण पत्र की कमी के कारण किसी भी अनुदेशक को बाहर न किया जाए। ओबीसी आरक्षण में विसंगति को लेकर पंजाब कांग्रेस प्रभारी व पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने नागौर का दौरा किया। इस दौरान हरीश चौधरी सैकड़ों गाड़ियों के काफिलों के साथ बायतू से रवाना हुए। वहीं नागौर पहुंचकर हरीश चौधरी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा साथ में बाड़मेर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष फतेह खान, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, शिव प्रधान महेंद्र चौधरी सहित कई सरपंच और जनप्रतिनिधि भी थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भाजपा के नाबार्ड अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल में हावड़ा, सांतरागाछी और कोलकाता में जमकर बवाल मचा। भाजपा समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने महानगर और हावड़ा के विभिन्न इलाकों में बैरिकेड्स लगाए थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि भाजपा समर्थक नाबार्ड तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन बार बार पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़पें हुई। इसमें भाजपा समर्थकों के साथ साथ पुलिसकर्मी के भी घायल होने की सूचना है। Thank you.